नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे MTR स्टाइल रवा इडली मिक्स। बताऊँ, मार्केट से हम ये पैकेट लेते हैं तो 1 kg का पैकेट जो है हमें बहुत ही महंगा आता है, 200 रुपये से ऊपर का मिलता है। और अगर हम इसको घर में बना लें तो इसमें जितना भी सामान, आई मीन कोई भी सामान इसमें ऐसा नहीं डलता है जो आपके पास घर में ना हो। सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी घर में होती हैं, तो ये एक तरह से हमें लगता है कि फ्री जैसा पड़ जाता है। हालांकि फ्री नहीं होता, सामान हमारा पहले से कभी ना कभी तो ख़रीदा हुआ ही है, लेकिन फिर भी वो उतना महंगा नहीं पड़ता जितना हमें बाज़ार से मिलता है। इसमें डलने वाली सारी चीज़ें जैसे कि सरसों, काली सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, सूजी यानी रवा, और चने की दाल और काजू, ये सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी घर में रहती हैं। तो इन्हीं से हम आज बनाएंगे अपना MTR स्टाइल रवा इडली मिक्स। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना रवा इडली मिक्स। हाँ जी, तो ये MTR स्टाइल रवा मिक्स, आई मीन रवा इडली मिक्स बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा कड़ी पत्ता, 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने, और ये थोड़ी चने की दाल मैंने ओवरनाइट सोक कर दी थी, उसका सारा पानी निकाल के और पेपर नैपकिन से मैंने इसको अच्छी तरह सिर्फ सारा पानी इसका सुखा दिया है। आधी कटोरी लिए हैं मैंने काजू के टुकड़े, और 350-300 ग्राम के आसपास मैंने ली है सूजी। तो सबसे पहले हम जो काजू हमने लिया है उसको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई के अंदर लिया है थोड़ा सा रिफाइंड, ये 3 बड़े चम्मच समझ लीजिए आप, 3 सर्विंग स्पून जो है वो मैंने रिफाइंड ले लिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर अपना ये जो हमने काजू का टुकड़ा लिया है इसको सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसको अलग से निकाल लेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डाल के बनाएंगे। तो ये रिफाइंड हमारा जो है वो हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने ये काजू के टुकड़े डाल देंगे और इनको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्यों जैसा कलर आपको चाहिए होता है उससे 1-2 शेड पहले ही इसको निकाल लें। कोई भी चीज़ जो आप फ्राई करते हैं उनको जो है जैसा कलर आपको चाहिए रोस्ट होने के बाद उससे 1-2 शेड पहले ही उसको निकाल लें, क्योंकि जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो वो अपनी ही रेजिडुअल हीट में काफ़ी देर तक कुक होती रहती है। अगर आप इसको पूरा ब्राउन होने के बाद निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आप ये बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, तो हमें इन्हें काला नहीं करना है, इन्हें इनको हल्का गुलाबी होने पर ही हम इसे निकाल लेंगे। तो तेल अगर हमारा सही से गर्म हो चुका है तो 10 सेकंड के अंदर ही ये देखिए कितने हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब इनको छोड़ दूंगी ना थोड़ी देर में, ये और थोड़े से अपने आप में डार्क कलर आ जाएगा, ठीक है। तो अब तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है तो हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता और सरसों। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, बहुत थोड़ा सा क्योंकि दाल के साथ भी कुक होगा, तो अब ये थोड़ा सा चटक गए दाने, इसके साथ ही हम डाल देंगे ये हमारी ओवरनाइट सोक की हुई और पेपर से पेपर नैपकिन से या कपड़े से अच्छी तरह पोंछी हुई चने की दाल, और इसको हम अच्छी तरह से तेल में पका लेंगे। तो ये चने की दाल भी देखिए हल्की गीलापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और थोड़ा थोड़ा इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं हमने करना है, क्योंकि जब हम जब भी इडली बनाएंगे इसमें भी ये पकती है, साथ में स्टीम होती है इडली के साथ साथ, तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है, बस हल्का इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, और अब हम इसमें अपना डाल देंगे ये रवा, और इसको थोड़ा थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का सा इसको भून के, और बस
इसको बनाने में देखिए आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, बहुत जल्दी ये बनकर रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसको हम ज़रा सा सेकना है बस, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस सूजी का कच्चापन जो है वो हल्का सा निकल जाए। तेल क्योंकि हमारा काफ़ी गर्म था तो उसके अंदर सूजी डालते ही फटाफट से ये जो है वो पक जाती है। बस हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से। गैस को मैं कर दूंगी स्लो, और जो मैंने काजू पहले से फ्राई करके रखी थी, कटोरी गर्म है, इसको कैसे पकड़ूँ, ये काजू जो मैंने फ्राई करके रखे थे ऑलरेडी, देखिए अब कलर काजू का, देखा आपने उस वक्त जब मैंने निकाला था कितना हल्का रंग था, लेकिन अब धीरे धीरे कितना अच्छा गुलाबी रंग आ गया है। ये काजू भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको, बस 5 मिनट इसको भून के, और ये हो गया हमारा MTR स्टाइल रवा इडली मिक्स। बस अब जब ये ठंडा हो जाए इसको डिब्बे में बंद करके आप फ्रिज में रख लीजिए, और रेडी हो गया हमारा रवा इडली मिक्स। देखा दोस्तों आपने हमारा ये MTR स्टाइल रवा इडली मिक्स कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया, और कुछ भी मेहनत नहीं लगती है इसके अंदर, सब सामान हमारे पास घर में होता है, ये बिल्कुल हमें फ्री की तरह पड़ता है कि सामान तो सब घर में था ही, उसी टाइम तो खरीदना नहीं पड़ा, तो बस फटाफट से हमने ये बना लिया। 10 से 12 मिनट हमको लगे ये बनाने के लिए, और इसको आप जब ठंडा हो जाए इसको डिब्बे में भर के फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपको इडली बनाने का मन करे इसको हमेशा जैसे बनाते हैं दही में भिगो के इनो डाल के, और बस इसे बना लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनेंगी और बहुत टेस्टी बनेंगी, और घर में बनाई हुई है तो हेल्दी है, हाइजीनिक है, हमें मालूम है हमने कैसे बनाई है, क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो बस अब आपको बाज़ार से ये इडली मिक्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में अपना इडली मिक्स बनाइए और ये खाइए, बच्चों को खिलाइए, हस्बैंड को खिलाइए, सबको खुश कर दीजिए और पैसे भी बचाइए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी भी छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।